ना, आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने जा रही हूँ कि आप गमले में लगाकर उन पौधों को लंबे समय तक आप उनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट हैं दोस्तों, जो आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे और फ्लावरिंग करते रहेंगे। नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं दोस्तों जिनकी पत्तियां भी पीली पड़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट प्लांट हैं, लंबे समय तक फूल देते रहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले झुमका बेल, जिसे हम मधुमालती बेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेरे पास दो प्लांट हैं दोस्तों और दोनों प्लांट में बहुत अच्छी इस बार फ्लावरिंग हुई है और आप देख सकते हैं इसकी भी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ये प्लांट परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ हमें लंबे समय तक फूल देता है। आप इसको एक बार लगा लें तो ये मई से लेके आपको दिसंबर तक फूल देगा दोस्तों, लेकिन दिसंबर में इसकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रुक जाती है और पत्तियाँ पीली होकर पूरी तरह से झड़ जाती हैं। जैसे ही मार्च शुरू होता है इसमें फिर से न्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जब भी इस प्लांट को आप लगाएं तो 14 से 16 इंच के गमले में ही ग्रो करें ताकि आपको अच्छी और हैवी फ्लावरिंग मिल सके। और आप देख सकते हैं अब इसमें बीज बनना भी शुरू हो चुका है। तो इसको आप गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप नर्सरी से परचेज करेंगे तो आपको ये 150 से लेकर 200 तक का पौधा आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं सेकंड प्लांट। सेकंड प्लांट है बोगनविलिया। बोगनविलिया एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट है जिसे आप कई कलरों में ले सकते हैं नर्सरी से, और इसकी जो केयर है वो बहुत ही रफ एंड टफ है। आपने इसको कई जगह लगा हुआ देखा होगा। तो इसको आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटाई छटाई कर इसको एक आकार देकर बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। इसकी कई वैरायटी आती हैं दोस्तों और ये 50 रुपीस से लेके आपको नर्सरी में 200 तक के प्लांट मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सारे के सारे गमले में लगे हुए हैं और सारे जो पौधे के अकॉर्डिंग 10 इंच और 12 इंच के गमले में लगे हैं। काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है तो आप इसे गमले में ज़रूर लगाइए। प्रॉपर सनलाइट और कम पानी के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है दोस्तों, और इसकी कई वैरायटी आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएंगी। तो कलरफुल पौधा है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट मेरा जो प्लांट है वो है टिकोमा का प्लांट, जिसे गोरी चोरी का प्लांट भी कहते हैं दोस्तों। और ये देखने में कितना सुंदर लगता है प्लांट, अगर आप इसको गमले में ग्रो करते हैं तो इस तरह से फूल आते हैं, इसके बंचेस में गुच्छे में फूल आते हैं। नर्सरी में आपको इसके 3 से 4 कलर देखने को मिल जाते हैं और इस समय पर जो मेरे पास कलर है वो येलो कलर है और दूसरा है ऑरेंज कलर। और आप देख सकते हैं इसके फूल कितने सुंदर लगते हैं दोस्तों। तो जब भी आप इस प्लांट को ग्रो करें तो 10 इंच के गमले से लेके आप 14 इंच तक के गमले में इसको लगा सकते हैं। ये फुल सन लाइट में रखने वाला प्लांट है, ये मई से लेके दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। हमेशा ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा आप पानी ना दें, पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है दोस्तों। और इसकी चलिए दूसरी वैरायटी भी आपको दिखा देते हैं जो कि ऑरेंज कलर की है। ये भी मेरा 14 इंच के गमले में प्लांट लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं नवंबर का मंथ चल रहा है, अभी भी कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको प्रॉपर सनलाइट में रखें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें दोस्तों, तो ये आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग देता रहेगा। ये भी एक परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है आलमंडा का प्लांट। आलमंडा के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, हालांकि ये प्लांट जो है वो बरसात के बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और नवंबर का मंथ है और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी भी कलियां ढेरों बनी हुई हैं और फूल भी आ रहे हैं इसमें। तो ये भी अगर आप प्लांट गमले में लगाते हैं तो 12 इंच से लेकर 14 इंच तक के गमले में लगाएं और इसके भी कलर आपको 3 से 4 नर्सरी में मिल जाएंगे। और इसका जो प्राइस आपको नर्सरी वाले देंगे वो 50 रुपीज़ से लेकर 200 तक के प्लांट मिलते हैं दोस्तों। पौधे जो हैं वो साइज के अकॉर्डिंग नर्सरी वाले देते हैं। एक वैरायटी इसकी ये है जिसमें छोटे फूल आते हैं, मिनी फूल आते हैं और ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है आप और देख सकते हैं ढेरों फूल इसमें आए हुए हैं, गुलदस्ता की तरह ये लगता है। तो ये लंबे समय तक फूल देने वाला प्लांट है, आप इसे ज़रूर लगाइए गमले में दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट हमारा है ये मिनी हिबिस्कस। और मिनी हिबिस्कस की एक खासियत होती है दोस्तों कि ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है।
इस प्लांट को आप गमले में लगा लें, 12 इंच से 14 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। पौधे के अकॉर्डिंग पौधा आपका किस साइज का है उसी साइज का आप गमला लें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें ढेरों कलियां बनती हैं और लगातार इसमें फूल आते रहते हैं। बस आपको मंथ में एक बार इसमें कोई भी कंपोस्ट आप इसमें डाल दें और अच्छी तरह से गुड़ाई करें। नमी का ध्यान रखें, पौधे को नमी पसंद है हल्की सी, तो वाटरिंग सही समय पे करते रहें दोस्तों। तो ये लंबे समय तक और परमानेंट ये पौधा है जो कि आपको हमेशा फूल देता ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सावनी प्लांट जिसे हम कहते हैं, इसमें गुच्छेदार फूल आते हैं। और ये भी प्लांट आप गमले में 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं और आप इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, इसको हल्का सा ड्राई रखें और इससे आप लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। और गमले में हम कौन कौन से प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो ये है एक जोरा प्लांट है, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी वैरायटी तो ढेर सारी मिल जाती है नर्सरी में। तो आप इस समय देखिए ये मिनी वैरायटी है जिसमें बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं और इसकी केयर थोड़ी सी दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है वाटरिंग का। और इसको सेमी शेड एरिया बहुत पसंद है, प्रॉपर स्पेस सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए पूरे दिन की, नहीं तो ये प्लांट पीले पड़कर धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। तो इसको सेमी शेड एरिया में आप रखें जहाँ पे मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिलती हो। पानी का खास ख्याल रखें कि पानी बहुत ज़्यादा आपको प्लांट में नहीं डालना है, रेगुलर नहीं देना है, मिट्टी ड्राई होने पर ही आप इसमें पानी दें। और आप इसको 10 इंच से लेकर 12 इंच तक के गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय पे नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है, फ्लावरिंग हालांकि हो रही है, लास्ट फ्लावरिंग होगी इसकी दिसंबर के बाद, ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा दोस्तों, ना ही इसकी ग्रोथ होगी और ना ही इसमें फूल आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मौसम चेंज होते ही गर्माहट मौसम में आते ही इसमें फिर से फूल आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है हरसिंगार पारिजात का प्लांट। ये प्लांट दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना, तो आप इसको गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इसके जो फूल होते हैं वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक ही खिलते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट प्लांट है, आप इससे कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, बीज द्वारा भी इससे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो पौधे के अकॉर्डिंग आप गमले का चयन करें, गमला जैसे छोटा पौधा है तो आप 10 इंच के 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं और बड़ा पौधा है तो आप 12 से लेकर 16 इंच तक के गमले में इसको लगाएं, क्योंकि इसकी जो हाइट है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्लांट की और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, खुशबूदार इसमें फूल आते हैं। फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखें और मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। अगला हमारा प्लांट है ये चमेली का प्लांट। चमेली का प्लांट दोस्तों ये 16 इंच के गमले में लगा हुआ है और 4 साल पुराना प्लांट है। इसकी मैं ट्रिमिंग करती रहती हूँ समय समय पे दोस्तों, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो ये काफ़ी हाइट इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ा हो जाता है, तो आप इसकी समय समय पे इसकी ट्रिमिंग करते रहें। ट्रिमिंग करने का समय फरवरी है दोस्तों, इसके बाद आप जुलाई अगस्त में भी इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये फूल बरसात के बाद काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है दोस्तों और दिसंबर तक बहुत बढ़िया फूल देता ही रहता है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर घर पर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है मुसंडा का प्लांट। मुसंडा के मेरे पास 3 कलर थे, वाइट कलर और रेड कलर भी था दोस्तों, इस समय सिर्फ 2 प्लांट हैं, ये पिंक कलर के हैं दोनों। और ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये परमानेंट प्लांट हैं। दोनों जो प्लांट मेरे पहले वाले थे वो इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो पानी के कारण वो प्लांट ख़राब हो गए दोस्तों, लेकिन इस प्लांट को आप परमानेंट 8 से लेकर 10 इंच तक 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा वाटरिंग इस पानी में ना करें और सेमी शेड एरिया में इसको रखें, तो ये लगातार आपको फूल देता रहेगा और लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। ये है दोस्तों नौरंग का प्लांट, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। साथ ही ये है चांदनी का प्लांट। चांदनी का प्लांट ये मेरे 10 इंच के गमले में लगा हुआ है दोस्तों और ये काफ़ी फूल देता है। इसको आप एक बार अगर लगा लेते हैं तो आपके यहाँ फूलों की कमी नहीं होगी, ये लगातार फूल देता ही रहता है, एक परमानेंट प्लांट है दोस्तों। प्लांट आपका बड़ा हो जाए तो आप इसको 12 इंच तक 14 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ढेरों कलियां बनी हुई हैं। इसी की एक वैरायटी आती है मिनी चांदनी की, जो कि इस समय मेरे उस प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत और रेगुलर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, जिसका नाम है अडेनियम। अडेनियम प्लांट को आप गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है प्लांट। नवंबर का मंथ चल रहा है, सर्दियों में ये प्लांट चला जाता है दोस्तों डोरमेंसी में, तो ये लीफ लेस हो जाता है पूरी तरह से और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती। हालांकि इस समय पर फूल आ रहे हैं क्योंकि इनकी ये लास्ट फ्लावरिंग है, इसके बाद इसमें फूल नहीं आएंगे। तो इसको आप अगर लगाते हैं गमले में तो इसमें आप गर्मियों में और बरसात में लंबे समय तक इससे फूल ले सकते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट है। लास्ट हमारा प्लांट है अपराजिता का प्लांट। ये प्लांट लंबे समय तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है और ये वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाना भी शुभ माना जाता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर लगाएं। हालांकि इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो 9 दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना पूरी तरह से ये डोरमेंसी में रहता है, पत्तियाँ पूरी तरह से पीली होकर गिर जाती हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में इसकी ग्रोथ फिर से शुरू होती है और इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्लांट मैंने आपको परमानेंट प्लांट थे जिनको आप गमले में ग्रो कर सकते हैं दोस्तों और इनसे लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।